भूल तो नहीं गए मुझे? और इसको आ गए हमें। ये देख रहो, आंखें देख रहे हो कैसी हो रही है। दो दिन से सोया नहीं हूँ, कल पूरी रात नहीं सोया, बाहर था, उसके बाद डायरेक्ट काम पे चला गया, फिर काम से आने के बाद नहा धो के आज फिर से बाहर निकल गया हूँ, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी ट्रिप पे चलना है आज। नहीं बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी है, सफर बड़ा है, ट्रिप छोटी है। साथ में मेरा दोस्त है वाशु मखलो का, और कल इसका था बर्थडे, और काम से आने के बाद हम दोनों चले गए फिर इसका बर्थडे मनाने, और बर्थडे मनाते 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 सुबह के 5 बज गए, फिर वहीं से काम पे गए, फिर काम से आने के बाद आज फिर से हम जा रहे हैं क्योतो घूमने के लिए। दो दिन, सिर्फ दो दिन का प्लान है, क्योंकि हफ्ते में दो दिन की छुट्टी होती है, और उसी छुट्टी को मैनेज करते हुए हम दो दिन घूमेंगे क्योतो में। और आज हम हैं अभी योकोहामा के योकोहामा स्टेशन है, और इसी के पीछे बस का टर्मिनल है, और यहाँ से हमारी रात की बस है। बस से जाना वाला हूँ मैं पहली बार, मैं भी है ना, मैं हाँ आज तक कभी बस से गया नहीं हूँ इधर लंबा सफ़र, हमेशा ट्रेन व्रेन से ही सफ़र किया है इधर जापान में, लेकिन पहली बार हम बस में सफ़र करने वाले हैं। क्यों तो रात का सफ़र है, मस्त 11:20 पे हमको पिक करेगी, और सुबह के 6 हमें क्योतो पे छोड़ देगी, तो बस में ही सोएंगे अब, और फिर कल पूरे दिन पूरी रात घूमेंगे। बाकी चीज़ें तो कल को दिखाएंगे, पहले हम आपको ये स्टेशन दिखाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं बस, ठीक है? चलो यहाँ पे आएगी हमारी बस, यहीं कहीं बस आने में अभी 1 और लगेगा, और मुझे आ रही भयानक नींद। ये आई हमारी गाड़ी VIP लाइनर, अब इसके लिए लाइन लगाएंगे। चलिए चलिए बाबा चलिए। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और हम पहुंच चुके हैं क्योतो, और जस्ट उतरे हैं अभी। ये हमारी बस अभी उतारा है इसने, और अब थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, और उसके बाद कहीं फ्रेश होना पड़ेगा यार। फ्रेश तो होना ही पड़ेगा, पर ये कौन सा क्योतो है? ये वो कौन, ये क्यों, वो क्यों हो रहा? सुखी वा क्योतो दिस काय बंदर। तो ये मेरे पीछे है क्योतो स्टेशन, और यहीं से हम जाएंगे जहाँ जहाँ हमने देखा है घूमने फिरने की जगहें। तो इधर फेमस है जापान की सबसे पुरानी कैपिटल जो थी वो क्योतो ही थी, और ये काफ़ी इनका पुराना शहर है, और यहाँ पे मोस्टली बहुत सारे फेमस मंदिर हैं, श्राइन्स हैं, और इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है जापान के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं यहाँ पे, और अभी भी बहुत ही अच्छे कंडीशन में। तो उनमें से कुछ श्राइन्स हम देखने आज जाएंगे, फिर देखते हैं कैसे हैं कैसे नहीं हैं, जैसे फ़ोटो में वैसी हैं या फिर कैसे हैं देखेंगे। भाई नाश्ता लेना पड़ेगा कुछ। क्या ले रहे हो? जो भी लेना दो लेना। प्रोटीन पिएगा? हाँ दो प्रोटीन, प्रोटीन इम्पोर्टेंट है यार। और रात को डाल लूँगा। विटामिन जरूरी है भाई, प्रोटीन विटामिन सब कुछ जरूरी है। चलिए चलिए चलिए। तो अभी हमारा एक और दोस्त आने वाला है 1 के अंदर, और उसके बाद हम जाएंगे
घूमने फिरने यहाँ तो लेंगे, शक्ल ही नहीं धोई है साला सुबह से। हाँ, शक्ल वकल धो के क्या करना है, घूमने आए हैं, शक्ल धोने थोड़ी आए, शक्ल होटल जाके धुलेगी। पहले चलो थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करते हैं, तब तक वो भी आ जाएगा, उसके बाद निकलेंगे। साला नींद ही पूरी नहीं हो रही है यार, परसों भी नहीं सोए, कल पूरी रात बस में भी नींद अच्छे से नहीं आई, सीट अनकम्फर्टेबल हो रही थी, जैसे तैसे सोए, क्या किया जाए यार। ये आ गया अपना दोस्त, एक और दोस्त, क्या हाल है मेरे भाई? बढ़िया ब्रो, बढ़िया है ब्रो। या जल्दी पहुंचा, चले अब चलते हैं, इसको भी नाश्ता करवाते हैं। क्यों घर से खा के नहीं आए तो तुम? अरे यार 5 बजे निकले, हम तो रात के निकले हैं। हम तो घर से खा के आते हैं भाई। भाई बहुत भीड़ हो रही है यार, इससे पहले ज्यादा भीड़ हो निकलते हैं। क्यों जो मीज दे रहा हाँ जाओ चला, बेल्ट के बता देंगे यार, बेल्ट लगा भाई बेल्ट। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं टैक्सी से, क्योंकि ट्रेन व्रेन में बहुत झंझट लग रहा था, चेंज करनी पड़ रही थी, पहले ट्रेन में जाओ फिर बस में जाओ, टाइम भी चला जाता है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमारे पास है 2 दिन, और 2 दिन में हमने क्योतो सारा घूम के घर जाना है। सारा तो ना घूम पाएंगे, जितना घूमने घूमेंगे क्या है। ये सुबह कितना बज रहा है? 7:30 हो रहा है, और चढ़ाई शुरू, वो देख रहे हो ऊपर टोपी दिख रही है मंदिर की। तो अभी चढ़ रहे हैं चढ़ाई, और अभी बंद है क्योंकि हम बहुत जल्दी आए हैं, सारे के सारे दुकानें मोस्टली सब बंद है। अब ये देखो, ये है गेट क्योमिजुदेरा टेम्पल का नाम है, इसका मतलब होता है प्योर वाटर, यहाँ पे 3 धारे आते हैं पानी के। लग रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, इतने पहाड़ हैं इधर, इतने पेड़ पौधे हैं, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है, फिर भी इतनी उमस हो रही है इधर, पसीने छूट गए सुबह के 7 बजे। दिन में आते तो क्या होता, अब धीरे धीरे यहाँ पे होने लग गई भीड़। इधर विश लिख रखी है लोगों ने अपनी अपनी, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, देखो नेचर के पास एकदम पहाड़ों के बीच में ये सुंदर सा मंदिर। हाँ तो देख लो ना क्या लिखा है, पढ़ लेगा तो यही पढ़ेगा, हम थोड़ी पढ़ेंगे, ये कौन सा पढ़ लेगा। अच्छा ये भी ना है, ये भी ना तू है। भी हमारे जैसे ही है। क्या फायदा हो गया तेरा फिर, अंदर जूते नहीं लेके जा सकते भाई, वो मंदिर है तो वहाँ जूते अलाउड नहीं है। चलो अच्छा है, वरना तो मैंने दूसरी जगह देखा था जूते पहन के अंदर जा रहे थे यार। ये देखो, वाह वो देखो पवित्र धारा, 3 पवित्र धारा हैं ये, बोलते एक से तुमको लाइफ पार्टनर मिलता है अच्छा, एक से तुमको लॉटरी शॉटरी मिलती है, और एक से शायद कुछ गुड हेल्थ समथिंग कुछ मिलता होगा, आई डोंट नो। कौन सा ये पता कर पहले, मैं तीनों ही लेना चाह, लॉटरी आ गई तो सब आ जाएगा ब्रो। बात तो सही है, हेल्थ भी है। ये हमारे गाँव में जैसे धारा होते थे ना बिल्कुल वैसी, सबके सब यहाँ पे अपनी फिर से वो लिख रहे हैं, इतनी दूर आए हो अपनी कुछ विशेष लिख लो भाई, क्या पता पूरी हो जाए। ये आया है 3 धारा, ये है फोटो खिंचवाने की सबसे ज्यादा पॉपुलर जगह, यहाँ हर कोई आता है, ये देखो है जगह, हर कोई यहीं की फोटो खिंचवाता है। हाँ तो हमने सब देख लिया है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है बैम्बू फॉरेस्ट, और अब जाएंगे बैम्बू फॉरेस्ट देखने के लिए, यहाँ से 18 मिनट 20 मिनट जितना भी लगेगा डायरेक्ट उधर चलते हैं। बैम्बू फॉरेस्ट देखने जा रहे थे, रास्ते में इतना टाइम लग गया, मैं एक चपकी मार ली भाई।
जगह तो ठीक ठाक लग रही है यार, देखते हैं उतर के। वाह ये कितनी भीड़ हो रही है इधर, इतनी गर्मी, इतनी भीड़, जहाँ देखो लोग, पूरी दुनिया यहीं आ गई क्या? ओके, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बैम्बू फॉरेस्ट अराशियामा, और यहाँ पे पूरा जापान आ गया, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। इतनी भीड़ हो रही है इधर, हद से ज्यादा भीड़ हो रही है। धन्यवाद। हिंदी हिंदी बोल रहा है भाई, वो उसको पता है बेटा जात, उसने बोला ना प्लीज भाई, हिंदी बोला वो। क्या भाई यही है क्या, और कुछ नहीं है क्या जिंदगी में? बैम्बू फॉरेस्ट में बैम्बू है भाई, इससे बड़ी बैम्बू यहीं दे दूंगा इनकी। और क्या मिलता? लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है कि सबसे पहले सुबह इधर ही आना चाहिए था। हाँ थोड़ा खाली खाली मिलता है। हाँ क्योंकि दिन में तो यहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं है। सुबह अगर आप लोग कभी क्यों तो घूमने आओ तो सुबह सबसे पहले इधर आओ बैम्बू फॉरेस्ट में, उसके बाद दूसरी जगह जाओ। बैम्बू फॉरेस्ट से तो हम निकल गए हैं भाई साहब, बहुत गर्मी हो रही है यार। अभी हम जा रहे हैं जरा नदी के किनारे, इधर एक नदी भी है उसके किनारे जाके देखते हैं, उसके बाद चलेंगे अपने होटल। हाँ भाई चलो ठीक है, अभी हम जा रहे हैं अपने होटल में और फिर आपको होटल का टूर देते हैं। एक ये है क्योटो टावर, आई गेस क्योटो टावर, ये है अपना होटल, इधर रुकेंगे हम आज। चलो लौंडे, तीन बेड और रूम खत्म, और कुछ नहीं है। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ये यहाँ से ये व्यू है, ये अपना होटल और बस यही, बस और कुछ नहीं ये। और आपकी और हाँ वॉशरूम तो मेन चीज, ये काफी बढ़िया है, ठीक है ये भी सही है। हाँ बाथरूम बड़ा है तो ठीक है, थोड़ा ठीक है, ये अच्छा है। तो गाइस पूल में आए हैं, अरे बहुत बढ़िया सीन है, मजा ही मजा आ गया। हैंगर गर्मी से अब राहत मिल रही है भाई, ये कुछ ऐसे ही लौंडे हैं। ओके तो अभी हम मस्त नहा धो के स्विमिंग करके फिर उसके बाद ओनसेन में बैठ के उसके बाद सौना और ये सब करने के बाद अब फिर से रूम पे जा रहे हैं थोड़ी देर रेस्ट करने, उसके बाद निकलेंगे बाहर मार्केट चेक करने। तो चलो अब देखो यहाँ अंधेरा हो गया है, उत्पात मचा रहे हो कमरों में। व्यू तो बहुत अच्छा है यार, देखो यहाँ से व्यू काफी अच्छा है।